हेलो फ्रेंड्स, इनकम को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया। आज हम लोग जा रहे हैं डिब्रूगढ़ भाया पासीघाट। ये है हम लोग का होटल और ये देखिए इनकम का मॉर्निंग व्यू कितना सुंदर है, बहुत शांत है। और ठीक है, चलते हैं। हम जिस होटल में स्टे किया था, होटल का नाम था लीवांग और होटल एरिया के हिसाब से सही था, कोई दिक्कत का बात नहीं है। वहाँ पे सर्विस वगैरह भी अच्छा ही मिला हम लोगों को। होटल का नंबर आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। आप लोग आएंगे तो स्टे कर सकता है, कोई इशू नहीं है, और अच्छा होटल था। तो नज़ारा देखिए कितना सुंदर है, पहाड़ है बीच में, पैडी फील्ड, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। तो गाइस हम लोग अभी पहुंच गया है गोबोक विलेज। कितना सुंदर है नज़ारा, और हमें यहाँ पे मिल गया यहाँ का एक लोकल भैया। तो अभी भैया हम लोग को लेके जा रहा है कि यहाँ पे जो एक फार्म है वो दिखाने के लिए लेके जा रहा है। वाह, स्टोन से बनाए हुए बाउंड्री कितना सही लग रहा है ना, बहुत खूबसूरत। लेकिन ध्यान से सहना पड़ रहा है हम लोगों को। हम लोग को लगा ये हल्दी का पेड़ है, लेकिन ये हल्दी का नहीं है, ये इलायची का पेड़ है भैया बोल रहा है। और ये देखिए सामने का व्यू, और यहाँ पे बहुत सारा संतरा का पेड़ है। अरुणाचल में ऑरेंज का बहुत गार्डन है यहाँ पे। ये देखिए हम लोग का घर, ये देखिए कितना ऑरेंज लग रहा है ना पेड़ पे। यहाँ पे कितना संतरा गिरा पड़ा हुआ है। एक उठा के टेस्ट कर लेता हूँ। काफी बड़ा एरिया में ये फैला हुआ है, ये जा रहा है फिर आगे आगे। और देखिए इसमें आपको पाइनएप्पल का भी ये नज़र आया होगा,
और सामने का व्यू देखिए, वाह ये देखिए काफ़ी सारा पाइनएप्पल का ये प्लांटेशन किया हुआ है। एक्चुअली ये ज़मीन इतना सही नहीं है ये संतरे के लिए, इसलिए इसका साइज़ भी छोटा है। और देखता हूँ टेस्ट करके कैसा लगता है। भैया भी बोल रहा है कि इसका, और ये देखिए कीवी का फार्मिंग, ये एक आपका ये वाला ये कीवी का ये प्लांट है जो कि वायर से ये कर रहा है, काफी स्लिप किया हुआ है। तो भैया बोल रहा है कि ये सितंबर में आपका ये होता है फ्लावरिंग, फ्लावरिंग होता है। और सामने का व्यू सही में काफी सुंदर है ये व्यू। और यहाँ पे आपका साई का भी ये है प्लांटेशन, अभी कटिंग किया है। और आगे भी है, बहुत दूर आगे भी है, आपको चाय का प्लांटेशन दिखाई देगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, और भी चीज़ देखना है हम लोगों को, इन लोग का घर भी देखना है, बाहर से ही देख लेंगे क्योंकि हम लोग के पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। और भूख भी लग रहा है, कहीं पे टाइम मिलेगा तो ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। संतरा के 20 पीस ये पाइनएप्पल का प्लांटेशन काफ़ी सही लग रहा है। ये देखिए इन लोग का घर जो कि कंप्लीट वुडन से बनाया हुआ है, और बाहर में ये मैथुन का हार्न किसी मतलब सजा के रख रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। अरुणाचल में मैथुन बहुत मिलता है, बहुत सारा है। और ये भैया दिखा रहा है ये सुअर का दांत है, গাহৰিৰ দাঁত অতি সুন্দৰকৈ সজাই থৈছে তেওঁলোকে। বহুত সুন্দৰ জেগা হয়, ভিলেজ ভি কাফি সুন্দৰ হয়। सामने है फील्ड, हम लोग का गाड़ी का हालत देखिए। एक्चुअली अभी भैया को भी हम लोग लेके जा रहे हैं आगे, क्योंकि ये भैया का घर थोड़ा आगे है। और हम लोग का गाड़ी का हालत देखिए, प्रेशर कुकर सब बिखरा पड़ा हुआ है, गैस का सिलेंडर, चार्जिंग केबल्स पूरा गंदा पड़ा हुआ है गाड़ी। तो भैया को भी लेके जा रहे हैं आगे। लड़का लोग खेल रहा है फील्ड पे,
तो चलिए चलते हैं। लग रहा है बस प्लानिंग ये किया है, प्रोजेक्ट लिया है यहाँ पे। तो हम भाइयों को यहाँ पे ड्रॉप देते हैं। बहुत स्वीट आदमी था यार, हमको बहुत अच्छी तरह से दिखाए, उन लोग का एरिया वगैरह बहुत अच्छा इंसान था। तो थैंक्स टू हिम। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत भूख लग रहा है, बहुत भूख लग रहा है। हम लोग यिंकियांग से तो सिर्फ वहीं पे एक चाय पिया था हम लोगों ने, और अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 9:30। देखते कहीं पे कोई अच्छा जगह मिलेगा तो मैगी बना लेंगे, बाकी तो सब जुगाड़ वगैरह रहते ही हैं हम लोग के साथ। और देखिए नज़ारा कितना ब्यूटीफुल है।